आज के वीडियो में बात होगी साथियों कि आप जो कार्य करते हैं वो प्रत्येक कार्य सफल हो और सबका सहयोग मिले, तो ये कैसे संभव है कि सब लोग आपका सहयोग करें, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश शहबक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं और सभी का सहयोग भी चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आप सबका सहयोग ले सकते हैं और अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपका हंसी खुशी से, पूरा दिन ही क्यों कहें, हर दिन, पूरा सप्ताह, पूरा माह, पूरा वर्ष, पूरा जीवन आपका हंसी खुशी से व्यतीत हो, आपका सब सहयोग करें, आपसे प्रेमपूर्ण तरीके से बोलें और आपकी जो कार्यशैली है उसकी सराहना हो, आपका कुल मिला के खुशियों से भरा हो जीवन, इस प्रकार की यदि आप चाहत रखते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि सुबह और शाम ध्यान अवश्य करें, मेडिटेशन। ध्यान अब ऑप्शनल नहीं रह गया है साथियों, अब ये आवश्यकता बन गया है कि इतनी अधिक ऊहापोह और भागदौड़ की दुनिया बन चुकी है कि शांति व्यक्ति को ढूंढनी पड़ रही है, तो इन स्थितियों में बहुत ही आवश्यक है कि आप सुबह और शाम, कई बार कहा है मैंने, प्रातः उठते ही अपनी डिस्चार्ज बैटरी को परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के बाद, उनको धन्यवाद कहने के बाद, अहित की कृपा जो प्राप्त हो रही है उस के लिए धन्यवाद करते हुए ये 6 वचन, या कहना चाहिए ये 6 वाक्य आपको सुबह और रात्रि में सोते समय दोहराना है। सबसे पहला, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। चौथा है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। पांचवा है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। छठा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और सातवा जो वाक्य है वो है, मैं परम पिता परमेश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जो सबको सुख देने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से आप जब ये 6 वचन या 6 वाक्य सुबह शाम मेडिटेशन करते समय ध्यान करते हैं या बोलते हैं, तो आप ये माने कि धीरे धीरे, शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये लगे फीलिंग कि मैं ये नकली बातें बोल रहा हूँ, जबकि मैं उतना शांत नहीं हूँ और उतना सुख स्वरूप या आनंद स्वरूप नहीं हूँ, मेरी आत्मा उतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जो आप सोचते हैं वो आपके कर्म बन जाते हैं और जो कर्म बनते हैं वो आपका भाग्य बनने लगता है। तो धीरे धीरे आप ये कोशिश करें कि जैसे आप बोलते हैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो निश्चित तौर पे आप भी ये चाहते होंगे कि जो भी व्यक्ति आपसे काम कराने के लिए आता है या कोई बात करता है तो वो आपसे प्रेम से बात करे। यदि कोई थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में या एटीट्यूड बताकर जब कोई बात करता है तो वो आपको पसंद नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर आप भी अब किसी से एटीट्यूड में या कहें कि रफ लैंग्वेज में जब बात करते हैं या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन प्रेम सभी को पसंद होता है। इसी प्रकार से शांति, यदि आप एकदम आपाधापी या जल्दबाजी करते रहेंगे हर काम में या बोलते रहेंगे जल्द 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 करो जल्द करो जल्द ऐसा जल्द वैसा, तो सामने वाला परेशान हो जाता है। तो आप शांति के साथ, जब आपको भी शांति पसंद होगी, जब कोई आपसे कोई काम कराना चाहता है प्रेम से कराता है, शांति से कराता है, उस कार्य को दुगने उत्साह से करते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी सामने वाले को प्रेम से शांति के साथ, कोई त्रुटि हो जाए कोई गलती हो जाए तो निश्चित तौर पे आप भी चाहते हैं कि आपको कोई क्षमा कर दे, तो आपको भी सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। और हर कार्य में पवित्रता, आप जो आत्मा है वो पवित्र है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हर कार्य में पवित्रता हो, तो सामने वाले के लिए भी हम
हर कार्य पवित्रता के साथ ही करें। आनंद आपको अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कार्य करें कि सभी को आनंद प्राप्त हो। और ये सभी जो आत्मा के गुण हैं, क्योंकि ये आपको पसंद है। पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि ये आत्मा के प्राकृतिक गुण हैं, प्रेम, शांति, सद्भावना, आनंद, तभी आत्मा आपकी शक्तिशाली बनती है। हाँ, एक बात और है साथियों, कोई व्यक्ति कितना ही आपके साथ बुरा सोचे या बुरा करे, पर आपको उसके लिए अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है, क्योंकि ये उसका भाग्य बनाएगा। वो आपके प्रति बुरा सोचता है तो उसका भाग बुरा बनेगा, लेकिन यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा निश्चित तौर पे। तो इसी प्रकार से यदि आप हर कार्य में सफलता चाहते हैं और सब लोगों का सहयोग चाहते हैं, तो आप भी सबका सहयोग करें। कि आप अच्छा करेंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे और आपके कार्य अच्छे होंगे, और जब कार्य अच्छे होंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा और आपको सबका सहयोग मिलेगा, सबका प्रेम मिलेगा, सबकी सद्भावना मिलेगी। जबकि जो सामने वाला आपका बुरा सोच रहा है या बुरा करता है, तो उसका भाग्य बुरा होगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा उसका भाग्य बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास धन, दौलत, सुख, शांति, सफलता, प्रेम, सारी चीज़ें मौजूद हों, तो निश्चित तौर पे इनको आपको देना होगा दूसरों के लिए। आप यदि प्रेम देते हैं तो प्रेम वापस मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, शांति देंगे तो आपको शांति मिलेगी। सफलता जब आप दूसरों के लिए कोशिश करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। तो यू आर क्रिएटर योर ऑन डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो बहुत आवश्यक है कि ये सुबह शाम ध्यान, साथ जो मैंने वाक्य वचन कहे हैं उनका सुबह शाम पुनः स्मरण करना, उनको धीरे धीरे अपने जीवन में लाना, तो आपका बहुत ही शानदार, खुशियों से भरा दिन बीतेगा, महीना बीतेगा, वर्ष बीतेगा, और ये जीवन भी आपका खुशनुमा हो जाएगा और खुशी के साथ बीतेगा। तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक और खुशखबरी आपको देनी थी साथियों, मेरा जो ये YouTube चैनल है, इस पे सुपर थैंक और सुपर स्टिकर का ऑप्शन भी मिल गया है। यदि आप चाहते हैं मुझसे किसी विषय पर पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर उस पर छोड़ दें, और सुपर थैंक की जो सुविधा है उसमें 40 रुपये और 200 रुपये देकर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँगा। तो आप सुपर थैंक में 200 रुपये का उसमें भुगतान करना होता है, वो आप करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके ये जीवन सादगी में, प्रसन्नता में और खुशियों में, सुखमय बीतेगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।